अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। यार बहुत दिल कर रहा था यूट्यूब पर वापस आने का, आप लोगों से बातें करने का, इसलिए मैं अपने आपको रोक नहीं पाया और टूर के ब्लॉग से पहले ही वाला ब्लॉग आ रहा है। अब इसी नहीं है, आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करनी है और कुछ बातें आप लोगों को बतानी है, अपडेट देनी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। टूर के ब्लॉग से सीन है कि यार मैंने अक्सर लोगों से पूछा तो उनके टूर के जो ब्लॉग्स होते हैं ना, उनके डाटा होता है वो तकरीबन होता है कुछ 50-100 कुछ जीबी का। तो मेरे डाटा का सीन है वो ये कि मेरा पर डे 50 जीबी का डाटा मेरे पास आ रहा था लैपटॉप में, तो उनको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत सारे क्लिप्स हैं, बहुत इतना व्लॉग किया मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लोग व्लॉग ही कर रहे होते थे। अब मसला ये हो रहा है कि हर सीन का अलग अलग कलर करेक्शन करना है, कलर ग्रेड करना है, फिर उनके लिए म्यूज़िक ढूंढो, फिर लगाओ, तो ये सीन है। और जब से मैं टूर से आया हूँ तब से मैं एडिट पर लगा हूँ, 10 के 10 व्लॉग्स एडिट हो चुके हैं। लेकिन अब मसला ये कि उनका वॉइस ओवर ढूंढो, वॉइस ओवर लिखो और फिर उनको वॉइस ओवर करो, फिर म्यूज़िक लगाओ, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे टूर के ब्लॉग्स। अच्छा, अभी की अपडेट ये है कि जब मैं टूर से वापस आया था तो मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी और मुझ पर उल्टा 20,000 रुपये का उधार चढ़ा हुआ था जो मैं 200 से लेके गया था टूर पर। अच्छा, जब मैं टूर से वापस आया तो मैंने सोचा कि सही है, 15,000 सैलरी से आ रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ करके 1-2 महीने में उधार उतार दूंगा। लेकिन जब मैं जॉब पे गया तो पता चला कि जॉब पे जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अब आपकी जॉब गई। अब क्या करूँ कुछ नहीं पता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं होता। मैंने साजिद भाई को मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, अगर आपके पास कभी कोई काम आए और आपको नहीं करना हो, क्लाइंट छोटा मोटा हो, तो आप प्लीज़ क्लाइंट को मना नहीं कीजिएगा, आप वो छोटे मोटे काम ना हम लोगों को दे दीजिएगा। साजिद भाई का मैसेज आया कि ना यार मेरे पास तो काम आएगा सही, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी दानियल को ना बनना चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज किया तो हैरत की बात ये कि उनका रिप्लाई आ गया, 50,000 फॉलोवर्स हैं उनके, उनका रिप्लाई आया, बात बात हुई हमारी, उन्होंने कहा अपना काम दिखाओ, मैंने अपना काम दिखाया, उन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली। तो अभी मुझे वहाँ जाना है और मैं बहुत डर रहा हूँ, जेब खाली है बिल्कुल, और मुझे जॉब किसी न किसी तरह करके लेनी है, हासिल करनी है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना मेरे जहन में है कि जो भी होगा अगर ये मेरे लिए अच्छा होगा तो अल्लाह ताला मुझे दिला देंगे कुछ भी करके, सही है, और अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तो अल्लाह ताला मुझे वो चीज़ देंगे और यहाँ पे मेरा सीन ऑफ हो जाएगा। तो अभी चलना है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, दानियल भाई ने मुझे जॉब पे रख लिया। दानियल भाई का ब्लॉग शूट हो रहा है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह में एक शॉप पर है हम लोग और मैंगो लस्सी ट्राई करने आए हैं, ये शॉर्ट लेने जाना है मुझे, तो एक जगह पे शूट हो गई, अभी हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अब की बारी है तो जूस वगैरह नहीं, कुछ और चीज़ें खाने पीने की, आपको वीडियो में नजर आ जाएगा क्या चीज़ खाई कैसी थी, रिव्यू वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएगा, तो चलते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से ज़्यादा अच्छी जगह पे जॉब लग गई और ज़्यादा पैसे भी मिल रहा है, तो मुझे अभी उस बात पे हंसी आ रही है कि यार जब मेरी जॉब छुट्टी थी तो मैं सोच रहा था यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या करूँगा। अब देखो अल्लाह ताला ने मुझे 15,000 के तकरीबन डबल सैलरी पे एक जगह रखा दिया, और इतना बड़ा बंदा और दानियल भाई इतने अच्छे हैं, मतलब काम सिखा रहे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई मसला नहीं, एक होता ना बॉस का रोब होता है ऐसा कोई सीन नहीं है, फुल तफरी चल रही होती, पता नहीं चलता काम कब हो रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने वीडियो शूट करी है दो, एक हमने शूट करी थी मैंगो लस्सी पे और एक हमने शूट करी थी गोलगप्पे पे, तो वो इनकी वीडियोस आ चुकी हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ उनके चैनल, आप लोग जाके चेक करें और फिर बताएं कि मैंने कैसा काम किया, सही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया, और इंशाल्लाह कल मिलता है अगले ब्लॉग में, कल परसों तकरीबन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।